कि जो राजेंद्र बनवाल जो इसमें मुख्य आरोपी है, इसके पूर्व में काफ़ी सारे आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस ने इसे 2021 में लगभग 18 पिस्टल्स के साथ में गिरफ्तार किया था। उस समय इसके ऊपर आरोप था कि ये खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनको ये अवैध हथियार सप्लाई करता है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में दिनांक 16 को भवानीपुर कॉलोनी और लोकमान्य नगर कॉलोनी, इसमें दो घरों में एक अज्ञात गैंग के द्वारा घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया गया था, जिसकी रिपोर्ट जब थाने पर आई थी तो मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद लगातार अन्नपूर्णा थाना की पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज, लोगों से और आसपास के मुखबिरों से पूछताछ कर रही थी। इसमें आसपास के लगे हुए फुटेज से एक गाड़ी नज़र आई थी जो कि शेवरले की समझ में आ रही थी। उसको फॉलो करते करते टोल्स के माध्यम से और अन्य टेक्निकल जानकारी के माध्यम से इसमें इस गाड़ी को हमने लोकेट किया। उसके बाद इस गाड़ी से जुड़े हुए जो लोग थे उनको हमने गिरफ्तार किया। इसमें कुल अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जो कि बड़वानी के और इंदौर के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ करने के दौरान में काफ़ी सारे खुलासे इनके द्वारा किए गए हैं। इसमें जो मुख्य सरगना है, इसमें राजेंद्र सिंह बनवाल है जो कि मुख्य सरगना है। कुल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, राजेंद्र, बादल, राजेश, सिद्धांत और बलवंत। इन 5ों में जो राजेंद्र सिंह बनवाला है ये मुख्य आरोपी है। इसने बलवंत सिंह के साथ में और पूरी टीम के साथ में घूम घूम के इंदौर के ऐसे घरों को चिन्हित किया था जहां पर ताले लगे हुए हैं या जहां लोग कहीं बाहर गए हुए हैं। इस प्रकार से घरों को चिन्हित करने के बाद में 1 अगस्त से लगातार 20 दिन तक ये लोग रेकी करते रहे और इस दौरान इन लोगों ने लगभग 15 घरों में चोरी करने का प्रयास किया, जिसमें 3 जगह पर सक्सेसफुल रहे हैं। इसमें एक गुलजार कॉलोनी है जहाँ पर इन लोगों ने चोरी करी है, एक राव चौराहा राजेंद्र नगर थाने में चोरी करी है और एक ग्रीन पार्क कॉलोनी में इन लोगों के द्वारा चोरी करी गई है। इसमें जो चोरी का माल था, इसमें सोने और चांदी के सिक्के और कुछ नकदी थे। जो सोने और चांदी के सिक्के वगैरह हैं ये सेंधवा में एक सुनार के यहाँ पर बेचना बताया गया है, जिसको अभी ये पूछताछ जारी है और PR लेके उनको बरामद किया जाएगा। इसमें मुख्य बात और ख़ास बात ये है कि जो राजेंद्र बनवाल जो इसमें मुख्य आरोपी है, इसके पूर्व में काफ़ी सारे आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस ने इसे 2021 में लगभग 18 पिस्टल्स के साथ में गिरफ्तार किया था। उस समय इसके ऊपर आरोप था कि ये खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनको ये अवैध हथियार सप्लाई करता है। इससे पूछताछ में बात सामने आई है कि इसने UP के भी कई गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई किए हैं। उसके बाद पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टर्स को इसने हथियार सप्लाई किए थे। इसी माध्यम से इसकी लिंक जो है खालिस्तानी से जुड़कर इसने खालिस्तानियों को भी हथियार सप्लाई किए हैं। इसके अलावा चोरी के कई मामलों में ये धार में, सेंधवा में, दिल्ली में बंद हुआ है। ये मुख्य तौर पर ताला चाबी बनाने का काम करते हैं, सिकलीगर हैं, और अवैध रूप से ये हथियार बनाने का काम भी करते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। सर, कारण क्या रहता है इनकी घटना पर? ये पेशेवर अपराधी हैं जिनका मुख्य तौर पर चोरी करने का कारण पैसा कमाना होता है और उससे अवैध हथियार बनाना, अवैध हथियारों को सप्लाई करना, गैंगस्टर्स के साथ संपर्क में रहना और इस प्रकार से क्षेत्र में दहशत फैलाना। पिस्टल भी बरामद हुई है? अभी फिलहाल पूछताछ में इनके पास कुछ पिस्टल होना बता रहे हैं ये, और कई सारा सामान इनके द्वारा बेचना बता रहे हैं जो कि PR लेके पूछताछ करेंगे। पूछताछ जारी है, कल इसमें और बरामदगी की जाएगी। सर, लोकल गैंगस्टर्स से इनके संबंध रहे इंदौर के? जी, पूछताछ में कई लोकल लोगों से और कई लोगों को हथियार सप्लाई करने की बात ये बता रहे हैं। इनसे अभी कल PR लिया जाएगा। इनसे और डिटेल में पूछताछ करने के बाद में जो जो चीज़ें इन्होंने चोरी करी हैं और जो जो अवैध हथियार इन लोगों ने सप्लाई किए हैं उसको बरामद किया जाएगा। सर, अभी तक कितनी मशरूम का बरामद हो चुकी है? अभी तक फिलहाल में एक शेवरले की सेल गाड़ी जो है इनके पास से बरामद हुई है और 4 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुए हैं जो अपराध में यूज़ किए गए थे। इसके अलावा जो चोरी का सामान है उसकी लोकेशन उन्होंने बताई है, उसको जल्द से जल्द बरामद किया जाएगा। सर, लगभग 3 जगह इन्होंने चोरी करी थी, वहाँ से कितना मशरूम का गया? 3ों जगह लगभग सोने चांदी के सिक्के मिलाकर लगभग 50,000 से 60,000 और अन्य नकदी जो है चोरी करना बताया जा रहा है। बाकी बरामदगी के बाद में पूरा चीज़ क्लियर हो पाएगी। सर, एक दर्जन से ज़्यादा चोरी करना बता रहे हैं? 15 जगह इन्होंने चोरी करने का प्रयास किया है, जिसमें 3 जगह ये सक्सेसफुल रहे हैं।